सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। हमारी मानो तो छोड़ो मत, समझा करो। बाकी और कोई लेडीज तो वहाँ पढ़ना नहीं चाहती है, है? तुम खाम खा अपना क्यों टाइम खराब करती है? आप पढ़ाती तो है ही, साथ साथ कुछ काम भी सिखाएंगी तो हम सबको बहुत फायदा होगा। रा ता न रतन ब र आ ब न बराबर प पा पे बड़ी की मात्रा क्या बन गया? प्यारे चतुर भैया, प्रकाश से कहना कि वो अब वापस आ जाए, उसकी माँ भी उसे वापस बुला रही है। तुम्हारा दोस्त रामकुमार। चाची चाची आप रो क्यों रही है? मैं अभी थोड़ी ना जा रहा हूँ। तू नहीं जाएगा? मैं अभी थोड़ी जाऊंगा, यहाँ मेरे पास रहेगा। हाँ और कहाँ जाऊंगा, कहाँ तो मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा। जरूर माँ ने बापू को बोला होगा मुझे बुलाने के लिए। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। हाँ पर कभी कभी आप जो थी मेरी वजह से याद नहीं आई। हाँ आप में कितना ख्याल रखती थी, मुझे लगता है चाचा मेरे से कभी कभी जलते हैं। और नहीं तो क्या, जलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। हमारी बीवी हमसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है भाई। जी आजकल मेरी रोज क्लास होती है, कुछ ही दिन में मैं ठीक से पढ़ लिख सकूंगा। हमारे यहाँ ज्यादा काम पढ़ने का है, और कौन सी चीज कहाँ रखनी है ठीक से रख पाओगे? हाँ रख लूंगा। अच्छा तो ऐसा करते हैं तुम्हारा एक टेस्ट ले लेते हैं, जिससे मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम काम ठीक से करोगे या नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा। तो ये लो चलो इसे पढ़ के दिखाओ। अरे कहीं से पढ़ दो। मदन मदन खो पानी। अरे इतना धीरे पढ़ते हो यार, तो लिखते कितना धीरे हो गया। और ऐसे करोगे तो इतनी देर में तुम्हारे सभी ग्राहक ही निकल जाएंगे। नहीं मैं आजकल रोज क्लास में जाता हूँ। अरे भाई यहाँ जरूरत नहीं है, कहीं और जाके ट्राई करो, कहीं और ढूंढो काम। प्रैक्टिस के बाद ठीक हो जाएगी और लिखाई भी। देखिए साहब अगर आप मुझे मौका नहीं देंगे तो और कोई क्यों देगा। हिम्मत जरूर हूँ लेकिन खूब मेहनत से काम करूंगा। और मुझे मुझे कुछ लिखने को दीजिए, मैं लिख के दिखाता हूँ। ओह ये लो लिख के देगा। बस बस ठीक है, कल से आ जाना।
सुबह आ जाना 9 बजे, ठीक है? जी नमस्ते। अरे अगर तू चला जाएगा तो ये दुकान कौन चलाएगा, तेरा चाचा? अभी भी तो वही संभाल रहे हैं। चल तू ऐसा कर, तू रुक जा, हम तेरी पगार बढ़ा देते हैं। मन तो मेरा भी कर रहा है, और जब बापू को काम मिल गया तो मेरा यहाँ पर काम करने से क्या फायदा। चल तू काम भी मत करियो, ऐश कर। क्या बात है चाचा, आज कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं है बेटा, जब तू नहीं आया था ना तो तेरी चाची लक्ष्मी और हम अकेले थे। तू आ गया रौनक हो गई, अब तू चला जाएगा तो फिर हम अकेले रह जाएंगे। क्यों अकेले क्यों, मैं आया करूँगा ना आपको तंग करने के लिए, और हो सके तो मैं अपना पान भी खोल लूंगा। अरे क्यों क्यों क्यों, अपनी क्यों खोलेगा, ये जो चल रही है उसको चला लियो। वहाँ पे घटिया पान मिलता है, मैं अपने यहाँ पर अच्छा पान बेचूंगा। अच्छा, अरे हमारी बंदूक और हम पे हमला, ये पान का धंधा सिखाया किसने तुमको, और हम ही से गद्दारी। गद्दारी क्या, देख लेना चाचा। अरे चल हट। हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। देखो हम समझ सकते हैं, तुम्हें काफी तकलीफ हो रही थी, हम इसके लिए सिर्फ माफी मांग सकते हैं और क्या। अरे नहीं नहीं, आप तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, अब आपकी फैमिली हमारी फैमिली जैसी है, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी तकलीफ तो थी, अब यही एक तरीका ठीक लगा हमें। तो तुम जाओगे कहाँ? हमारे जो साथ काम करता है ना उसी की खोली में। वो कब तक जाने की सोच रहे हो? बस इसी हफ्ते सोचा है। इसी हफ्ते? हाँ। क्या हुआ? नहीं हम कुछ सोच रहे हैं। किराए के बारे में? हाँ, क्या है कि अकेले पूरे कमरे का किराया देंगे तो कुछ बचा नहीं पाएंगे। अब हम कुछ कर सकते तो जरूर करते, पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है ना। सुनील, मुझे आपसे कुछ कहना है, जरा बैठिए। अच्छा। मेरी शादी होने वाली है। अरे अरे मैडम मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो मैडम, आपके शादी में हम सबको पान खिलाऊंगा। अरे पहले मुझे तो खिला दो। चुप रहो मैडम, हम बीच में बोले जाते हैं, मुझको पान खिला दो, मुझको पान खिला दो। मैडम हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो कुछ और बात है। क्या और बात है? दरअसल मेरे जो पति है वो मुंबई में रहते हैं, शादी के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, वहीं रहूंगी। लो, ये भी को कहने की बात है, ऑफ कोर्स शादी के बाद तो पति के साथ रहेंगे ना, यहाँ थोड़ी रहेंगे। अरे नहीं बुड़बक, वो कुछ और कहना चाहती हैं। कुछ और? हाँ वो ये कहना चाहती हैं कि शादी के बाद वो हमें पढ़ा नहीं पाएंगी, है ना मैडम? बिल्कुल, मैं लगभग 2 हफ्तों में यहाँ से चली जाऊंगी, और जैसा की रमेश ने कहा मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी। मतलब ये कि आप हमको बिल्कुल बेसहारा छोड़ जाएंगे? नहीं नहीं, बेसहारा क्यों, तुम लोगों के साथ इतना सारा वक्त बिताया है उसका मकसद यही है कि तुम लोगों को किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। अरे कैसे सहारे की जरूरत नहीं है, अभी तक हम सीखे ही क्या है, अभी तो हमारी पढ़ाई शुरू हुई है, अभी चीजें समझ में आ रही है हमारे। और क्या, हमने तो नौकरी में भी लिख के दे दिया है कि हम रोज ही क्लास में जाते हैं। साक्षरता का असली मतलब तभी निकल कर आता है जब आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। हम आगे कहाँ जाएंगे भाई, आप जहाँ जाएंगे हम सब जाएंगे, क्यों भाई लोग? हाँ जाएंगे जाएंगे। नहीं चौरसिया जी, आगे और भी मंजिलें हैं, वो शेर नहीं सुना आप लोगों ने, सितारों के आगे जहाँ और भी है, अब आप लोग पहली मंजिल के करीब आ गए हैं, आगे और भी कई मंजिलें हैं। कौन सी मंजिल है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग जन शिक्षा संस्थान में जाएं, मैंने औरतों की क्लास में भी ये बात बताई थी, सरकार ऐसे शिक्षा संस्थानों को आर्थिक सहायता देती है, वहाँ पर बहुत मामूली सी फीस में काम सिखाए जाते हैं। हम क्या वहाँ काम सीखेंगे, हमारा तो अपना बिजनेस है भाई। लेकिन यहाँ और भी बहुत से लोग हैं जिनका कोई ठोस काम नहीं है, ये जगह उनके लिए बहुत लाभदायक होगी। बात तो है, मेरे लिए तो होगी। आप सबने बहुत मेहनत की है, अब समय आ गया है कि उस मेहनत के फल का मजा लिया जाए। लेकिन मैडम वहाँ सिखाते क्या? वहाँ पर 200 से भी ज्यादा काम सिखाते हैं, जैसे कि मोटर मैकेनिक का काम है, या इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ठीक करने का काम है, औरतों को सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब भी सिखाया जाता है। काफी काम सिखाए जाते हैं। नहीं अरे बड़बक चुप रहा, तेरे को वहाँ कौन क्या सिखाएगा, ये तो हम लोगों की मेहनत है कि तू यहाँ तक पहुँच गया, वरना वहाँ बैठा अंधेरे में रोशनी को रोशनी दिखा रहा होता अपनी टॉर्च के। काम सीख रहे हैं, रेडियो ठीक करेगा। हम पे तो मानो एक साथ दुई दुई पहाड़ आ टूटा है, एक तो रमेश, ऊपर से अनिन्ना मैडम,
अब अगर तुम लोग यहाँ रहते हो तो रमेश चला जाएगा, पूरे कमरे का किराया हमें देना पड़ेगा, थोड़ी अड़चन हो। वैसे निन्या मैडम के जाने से हमारी पढ़ाई में भी थोड़ी अड़चन तो होगी ही। नहीं वो तो ठीक है, हम समझ रहे हैं कि वो रमेश का क्या होगा, लेकिन अगर तुम लोग चले जाते हो तो फिर बच्चों की पढ़ाई में भी अड़चन आएगी, उनके इम्तिहान सर पे। आप खुद ही सोच लीजिए, हमारे बच्चों की चिंता मत कीजिए, हम गांव में भी ठीक थे, यहाँ भी ठीक है, अब तो गांव भी ठीक हो गया है, हम चले जाते हैं। हाँ नहीं चले तो जाते हो, लेकिन अगर सोच रहे हैं कि यहाँ रहते तो फिर रेखा के इम्तिहान के बाद रेखा के लिए रिश्ता भी ढूंढते, यहाँ शहर है ना आसानी होती। हाँ अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, शाम को आते हैं। कभी ये आया कभी ये गया, कुछ पता ही नहीं चला। इतना घुल मिल गया था ना हम दोनों से। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे कोई पराया बच्चा नहीं अपने ही बच्चे को विदा कर रहा है? अपना ही तो है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है, ये घर उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। मुझे पहले कभी बे औलाद होने की कमी महसूस नहीं हुई, और प्रकाश के यहाँ रहते तो बिल्कुल ही नहीं, मगर अब वो जा रहा है ऐसा नहीं लगता सब कुछ खाली खाली सा है, जैसे जैसे हमारे में से कोई हमारी जान चुरा ले जा रहा हो। मुझे उसकी बहुत याद आएगी। अरे याद तो हमें भी बहुत आएगी उसकी, जब दुकान पर जाएंगे कमबख्त चेहरा सामने आएगा, कभी ये मजाक कभी वो मजाक, अब सब मजाक खत्म हो गया। चाचा चाचा मैंने आपको जब भी तंग किया उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ खत्म नहीं करूँगा, आप दोनों की याद मुझे आएगी, मैं चिट्ठी लिखूंगा, आप लोग जवाब देना वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं बापू को बोलो ना कि हम वापस गांव जाएं। क्यों क्यों क्या माँ, हमारे यहाँ रहने से बापू के सर पे कितना बोझ पड़ रहा है, गांव में सब चीजें सस्ती भी है और फिर अपना मकान भी है, हमारे जाने से बापू के सर से थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। सबसे बड़ा बोझ तो तेरी शादी का है। मेरी शादी का क्या, आज नहीं कल हो जाएगी, यहाँ नहीं वहाँ हो जाएगी, मैं गांव चलते हैं, वैसे भी मुझे शहर ज्यादा पसंद नहीं। बात तो है पर तेरे बापू को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। मैं तुम बता दो ना वो जरूर समझ जाएंगे, फिर रमेश चाचा को यहाँ से जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं बोलना बोलूंगी बाबा, तू तो ऐसे कर रही है जैसे कोई भूत आने वाला हो, बता दूंगी, वैसे तेरे बापू वही करेंगे जो उनको ठीक लगेगा, हमारे कहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी एक बार बोल के तो देख। मैडम आपके जाने का तो हमारी क्लास बंद हो जाएगी। नहीं नहीं बंद क्यों होगी, आप लोग ये कमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ कुछ दिनों के लिए एक दिक्कत होगी। क्या दिक्कत हो? आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा। अरे खुद है? और क्या, इन केंद्रों का एक मकसद और भी होता है। पढ़ाई के अलावा और क्या मकसद होता है? भाई मैंने रास्ता दिखा दिया है, तरीका बता दिया है, अब इस रास्ते पर आपको अकेले चलने की आदत डालनी चाहिए। ये केंद्र आगे चलकर आपके लिए एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश करेगा जहाँ पर आप लोग मिलकर तीज त्योहार मना सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक संगठन बनाए। जैसे कि क्लब होता है ना? हाँ वही समझ लीजिए, और एक बार जब कोई साक्षर हो जाए तो उसे हफ्ते के हफ्ते क्लास में आकर अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। जारी माने एक बार में खत्म नहीं होता क्या? पढ़ाई कोई रसगुल्ला थोड़ी है जो एक बार खा लिया और खत्म हो गया, यहाँ तो कई सारी मंजिलें हैं और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, एक मंजिल को पार करो तो आगे दूसरी मंजिल होती है। तो मंजिल मंजिल को ज्यादा नहीं हो गया, तीसरी मंजिल फिल्म जैसा। हम सब जिस दुनिया में रहते हैं ना वो दिन ब दिन बदल रही है, जब हम लोग बच्चे थे तब ये दुनिया कुछ और थी, अब जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो ये बिल्कुल बदल जाएगी। साक्षरता का असली मकसद है इस बदलती हुई दुनिया से निपटने के लिए आपको काबिल बनाना। ये तो बहुत दूर की सोच है। दूर की नहीं समझदार सोच है, आपको ये मौका मिला है, आप इसका कितना फायदा उठाते हैं ये आप पर निर्भर है। भाई हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, थोड़ी दूर आपके साथ ही चल सकते हैं, लेकिन इस रास्ते पर मेहनत करके कौन कितना आगे चला जाएगा ये तो उसी पर निर्भर है ना। हम सब गांव वापस जाएंगे, बच्चे भी हमसे सहमत हैं। पर कुछ नहीं, हम सब सोच लिए हैं राजेश की पढ़ाई वहीं गांव में करवा देंगे,
हम मास्टर जी से बात करेंगे, वो इन दोनों को वापस दाखिला दे देंगे। और रही बात रेखा की शादी की, तो जब आप लड़का देख लेंगे तो हमें लिख दीजिएगा, हम वापस आ जाएंगे शहर। बात तो सही है। और क्या, पर हमको जल्दी निकलना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा होगा नहीं तो। अरे परंतु तुम्हारी पढ़ाई। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, निर्णया मैडम कह रही थी अब उनकी जैसी मैडम हमारे गांव में भी आएंगी, और फिर ये भी कह रही थी कि रेखा भी हमको पढ़ा सकती है अब तो। अरे लड़की किसकी है? आहा, लड़की किसकी है, आए दिन तो उसकी शादी के पीछे पड़े रहते हैं आप। परंतु उसकी शादी तो करवानी पड़ेगी ना। सुनिए जी, हमारी मानिए तो थोड़ा ठहर जाइए। क्यों? उसको अपनी पढ़ाई पूरी करने दीजिए, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे परंतु अगर अच्छा लड़का ना मिला तो? अब कैसे नहीं मिलेगा जी, हमारी लड़की सुंदर है, समझदार है, और फिर निन्या मैडम को भी तो मिल गया लड़का, वो भी तो इतना पढ़ी है। अरे वाह, आजकल बड़ी अक्ल की बात करे है, क्या पढ़ाई का असर है क्या? ये जरा प्रेमचंद की कहानी अशोक चक्रधार और एक नाटक तुगलक दे दीजिए। जी सुनो, वो आखिरी वाला रहने दो, वो मुझे नहीं लगता यहाँ मिलेगा, कहीं मिल नहीं रहा। नहीं, हमारे यहाँ काफी नाटक है, मैं ढूंढ लेता हूँ, शायद उसमें हो। ये लीजिए। वो मिल गया जी। अच्छा, इसका एक बिल बना दूंगा। काफी अच्छा काम करते हो तुम। थैंक यू। वेलकम। अरे प्रकाश बेटा, आज सबको पान बना के तू खिला। मान गए ना, अच्छा पान वही लाता हूँ। अच्छा, और तुझको सिखाया किसने? तुझे मालूम है, सीखने वाले से ज्यादा समझ सिखाने वाले की होती है। बात करता है। अच्छा एक बात बता, गांव जाके दुकान की याद आएगी ना? चार बार पूछ चुके हो, आएगी आएगी आएगी, इतना तंग किया कैसे भूल सकता हूँ। मैंने तंग किया? और जब मेरे बाल सफेद हो गए वो? वो तो हर बूढ़े आदमी के बाल सफेद होते हैं, वैसे भी आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, आपके बाल तो सफेद होने ही चाहिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? बूढ़ा होगा तेरा बाप, और जो आधा दिमाग खा गया वो? झूठ, चाची कहती है आपका पहले से ही आधा था। चाचा, मेरे जाने बाद यहाँ पर किसको काम पे रखोगे? आ जाएगा कोई तेरे जैसा सर तेरा, आएगा छह दिन रहेगा और फिर दिल तोड़ के वो भी चला जाएगा। बहुत तंग किया ना आपको और चाची को? अरे भैया, चाची की तो वो जाने, लेकिन हाँ मेरा सोना तूने बहुत हराम कर दिया। सावित्री वाह। अरे रमेश, खाना खाओ। नहीं, तू अपनी नई खोली को किराया दिया? आज जाऊंगा, अभी वहीं जाना है। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा था, सावित्री और बच्चे गांव वापस आ रहे। क्यों, इतनी जल्दी क्या? और बच्चों का स्कूल? वो सब गांव में ही हो जाएगा, ये परसों जाने के सोच रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी क्यों भाभी? बच्चों का दाखिला कराना है स्कूल में, उसके लिए जल्दी तो जाना ही पड़ेगा। आपको जो तकलीफ हुई है? अरे भाभी ऐसे शर्मिंदा मत करो, आपके और बच्चों के लिए नो प्रॉब्लम। तो इनके जाने के बाद तो वापिस आ जाएगा खुली में? अरे मैं गया ही कब था जो वापस आ जाऊंगा। क्या बात है। ठीक है, हो गया आज के लिए, बंद करिए। और सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, आपकी शादी कैंसिल हो गई। नहीं नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए एक अध्यापक ढूंढ लिया है। चलो शुक्र है, हम तो सोच रहे थे हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, वैसे भी अगर चतुरलाल पढ़ाते तो छोड़नी पड़ती। चुपका हरा तो था, लेकिन आएगी कब? आएंगे नहीं, आएंगे आएंगे, बहुत सारे आएंगे। क्या? नहीं नहीं, वो औरत नहीं है, मर्द है, आदमी है। अच्छा अच्छा, लेकिन कब आएंगे? मैं अगले हफ्ते जाऊंगी, मेरे जाते ही वो आ जाएंगे। पर मास्टरानी जी, इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमें पसंद आएंगे? जरूर पसंद आएंगे, क्यों नहीं पसंद आएंगे। अच्छा ये बताइए, क्या ख्याल है, आप लोग सब पढ़ने आएंगे ना? चले ठीक है, चले समेटिए सब किताबें, समेट के दीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम गांव से चिट्ठी लिखेंगे, आप खुद ही पढ़ लीजिए। अच्छा चाची, आप तो ठीक मिलूंगा। चाचा मुझे ज्यादा याद मत करना, ठीक है? अरे नहीं करेंगे, हमारे पास और भी बहुत काम है करने को। ये ले मेरे लिए। हाँ, ताकि तू हमें याद करता रहेगा, ठीक है? ये ले बेटा, तूने हमारी बहुत मदद की, शाबाश। कैसी बातें करते हो चाचा। और चाचा मेरा
तेरा भी है, ये लो तेरी चाची की तरफ से। अच्छा भाभी, आप लोगों के साथ रहकर बहुत मजा आया, अपना ख्याल रखिएगा और तुम भी मिलते रहना। अरे भाई चलो चलो, बस का टाइम हो गया है। हाँ, हाँ, अच्छा राम 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 भैया, बहुत याद आएगा। मुझे नहीं आती उसकी। इसीलिए आप बार बार दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, शायद वो वापस आ जाए। अब क्या आएगा तो बांध दूंगा ससुर के नाते, फिर देखते हैं कैसे जाता है। अब क्यों नहीं जाने देंगे? अरे जल्दी करो ना तुम रमेश। अरे ऐसे ही तो करते हैं। वैसे एक बार बताए चरसिया भैया, आज निखर क्या आया? अरे निखरेगा क्यों नहीं, हमारा पान सेंटर का बोर्ड है। इतनी मेहनत के बाद तो एक दो पान हो जाने चाहिए। वाह, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे हम। क्यों? अरे दो घंटे में तो एक छोटी सी चीज बनाई तुमने। अरे वाह, सबसे मुश्किल चीज दे दी हमें और सबसे आसान ले लिया खुद। अरे इसमें मुश्किल क्या है, अनन्या मैडम होती तो बताती तुम्हें। अरे बताती क्या, हम दोनों से इसकी मार पिटवाती। तुम हमारा मजाक उड़ाना बंद करो। हाँ, हम सबसे पहले जन शिक्षण संस्थान जाने की सोच रहे हैं, पर तुम्हारा रेडियो ठीक नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे पास आता ही कौन है रेडियो ठीक करवाने, और तुम भी मत आना हमारे पान सेंटर में पान लेने। पान चोर कहें क्या? आप दोनों बंद करोगे बच्चों की तरह ये लड़ना झगड़ना? हम नहीं ये लड़ रहे हैं। हम क्या लड़ रहे हैं? ये लड़ रहे हैं। अरे अच्छा बंद भी कीजिए, ये बन गया है। चलो रमेश इसके ऊपर लगा देते हैं बोरा। नहीं पहले ये बोलो कि जो हमने बनाया वो सबसे मुश्किल था। सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है। कुछ का माने कौआ, और ये क्या है? खा माने खाना। हम मर जाएं? मर हम दवाई वाला। अच्छा, बहुत मुश्किल है ये, हमसे नहीं होगी पढ़ाई लिखाई। मार हम बापू, ऐसे नहीं अलग अलग पढ़ो, रुक रुक कर। अब कुछ भी कहो, इसमें भी सीखने की कुछ बात है। वो क्या है? यही कि अगर हम भी चतुरलाल की तरह मेहनत करें तो हम भी पढ़ लिख सकते हैं। अपनी किताबों में पढ़िए। यही बात हमको इस देश का समझ में नहीं आता। कौआ, अब इसमें लिखा है कि माधुरी दीक्षित छुट्टी मनाने विदेश गई। हाँ। अरे तो वो कौन सा तुमसे रोज मिलने को आ रही थी, उसके पोस्टर तो यही है, उसी से काम चला लो। कितनी बार कहा है जब एक पढ़ा लिखा बतिया रहे हो तो दूसरे पढ़े लिखे को चुप रहना चाहिए। चिट्ठी डिब्बे में डाल दो। नहीं नहीं हमको दे दो। लो भैया चतुरलाल तुम्हारे। अमरी, अरे भाई हम तो चश्मा ही लाना भूल गए। पढ़ो 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 पढ़ो। अरे वाह, प्यारे अब्बा दीदी क्लास में पहले नंबर पर आई। अरे वाह, मेरा नंबर इतना ठीक नहीं रहा नालायक। अरे दूसरा रहा, दूसरा रहा। ठीक है ठीक है, माँ ठीक है, लिखती है। आप कैसे हैं? हम ठीक हैं, राम राम। बस अब मैं जा रहा हूँ राजेश। सुनो हम पढ़ते हैं। प्यारे चाचा कैसे हो, पान बन रहा है ना, या मुझे सिखाना पड़ेगा? चाची कैसे है? उन्हें कहना अगली छुट्टियों में उनके पास आऊंगा। तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, उनके पास आऊंगा। चाची का प्रकार। बहुत शरारती है। हमारे पास भी है। हैं?
पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्यारे रमेश, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सच्चे हो, बिल्कुल छोटे से बच्चे हो, तुम्हारी रोशनी। रोशनी लिखिए, क्या लिखिए? अरे तो खा लिया एकदम, कैसा आदमी है। सितारों से आगे जहां और भी है। कुछ लोग ऐसी एक राह पर निकल पड़ते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। ये एक लंबा सफर है जिसका चलते रहना बहुत जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो पहला कदम है। ये कदम आपको अनजान राहों पर ले जाएगा, लेकिन ये राहें आपको उस मंजिल तक ले आएंगी जहां आपको गर्व होगा अपने सफर पर। आगे और भी मंजिलें हैं, और भी इम्तिहान हैं। ये भी संकल्प लेना पड़ेगा कि हम सब चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। हम सब पढ़ेंगे, हम सब